चुनाव से पहले ही हार मान चुके मुद्दाविहीन इंडी अलायंस के पास अब कुछ बचा है तो वो है अनर्गल बयानबाजी। तभी तो आए दिन वो किसी न किसी तरीके से अपने भाषणों में अमर्यादित टिप्पणी कर ही डालते हैं। बोलता कि परिवार बात है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे, तुम्हारे पास परिवार नहीं है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। हर चुनाव से पहले मोदी जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना अब विपक्ष ने फैशन सा बना लिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के पास ना तो करने को कुछ बचा है और ना ही लड़ने को, और ऐसे में उनके पास कोई है तो वो है बयानवीर संजय राउत। बड़बोले बयान देने के लिए मशहूर राउत ने इस बार मोदी जी पर विवादित टिप्पणी करते हुए उनकी तुलना औरंगजेब से कर डाली। गुजरात के राज्य करते महाराष्ट्र शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरात मध्ये झाला। गुजरात मध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करण्यात आहे आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। संजय राउत शायद मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं। पहले पार्टी टूटी और अब अपने दल की खिसकती जमीन से उन्हें बड़ा आघात पहुंचा है। संपूर्ण विश्व जिन मोदी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित है, पूरा भारत जो मोदी जी पर प्यार बरसाता है, उनके लिए इस तरह का संबोधन शर्मनाक है। उद्धव की शिवसेना शायद ये भूल रही है कि जब जब मोदी जी पर अपशब्दों का वार हुआ है, तब तब मोदी जी से भारत की जनता को और अधिक प्यार हुआ है।